संसार में दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है, और मनुष्य का मन बड़ा नाजुक मन होता है, छोटी सी बात में खुश भी हो जाता है और छोटी सी बात में बहुत दुखी भी हो जाता है, छोटी सी बात में इसको क्रोध भी आ जाता है और छोटी सी बात में ये मुस्कुराने भी लगता है। बड़ा विचित्र प्राणी है संसार का, संसार की हर चीज को संभालना आसान है लेकिन इस मनुष्य को संभालना बहुत कठिन है, और जिसके अंदर मनुष्य को संभालने की कला आ गई तो किसी भी फील्ड में फेल नहीं होता है, वो हमेशा जीत हासिल करता है, उसके द्वार पर हार कभी नहीं आती है, उसका द्वार सफलता का द्वार बन जाता है। इसलिए मनुष्य को संभालना सीखो। आप हाथी को संभाल लेते हो, गधे को भी संभाल लेते हो, ट्रैक्टर ट्राली एरोप्लेन ट्रेन को संभाल लेते हो, सृष्टि की हर चीज को संभालने वाला तो मनुष्य ही है। सुंदर सुंदर घर 24-24 मंजिल 150 मंजिल की ऊंची अट्टालिकाएं बनाने वाला भी मनुष्य है, लेकिन याद रखना महलों को जिसने बनाया है उसे महलों में रहने की कला नहीं मालूम है। कितने लोग महलों में भी दुखी हैं और कितने लोग झोपड़ी में भी दुखी हैं। दुख और सुख का कारण महल और झोपड़ी नहीं होता है। सिवरी झोपड़ी में भी भक्ति करके हंस रही है और मंदोदरी सोने की लंका के महलों में भी रो रही है। याद रखना हंसते वही हैं जिनके दिलों में गुरु की भक्ति होती है और रोते वही हैं जो संसार में आकर्षित होते हैं। आज की महिला अगर कान के कुंडल पा जाए तो बहुत खुश हो जाती है, सोने के कुंडल यदि उसका पति बनवा कर दे दे बहुत खुश हो जाती है, फिर पति के कान में खुसुरसुस कहती है कि तुम जैसा पति सौभाग्यशाली स्त्री को मिलता है। अगर पति कान का कुंडल ना दे सके तो पति का कान नोच डालेगी। पति चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, मर जाए या बीमार रहे, मर जाए या बीमार रहे, नारी यही चाहती है देवड़ी पर खड़ा सुनार रहे, पर नारी यही चाहती है देवड़ी पर खड़ा सुनार रहे। बहुत अच्छा, पुरुषों को ज्यादा अच्छा लगता है, अब छुटकारा मिल जाएगा। पति चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, मर जाए या बीमार रहे, मर जाए या बीमार रहे, पर नारी यही चाहती है ड्योढ़ी पर खड़ा सुनार रहे, पर नारी यही चाहती है ड्योढ़ी पर खड़ा सुनार रहे। पत
कितना ही सोना ले आए जाती न आदते रोने की जाती न आदते रोने की बन गए हाथ के ठोस कड़े तो तगड़ी लाओ सोने की बन गए हाथ के ठोस कड़े तो तगड़ी लाओ सोने की। ना तबला है ना पेटी है ना मंजीरा बात बजाने की ना तबला है ना पेटी है ना मंजीरा बात बजाने की हाथों की ताली प्यारी है हाथों की ताली प्यारी है इसमें आनंद उठाने की इसमें आनंद उठाने की मंगल में घड़ी आई है कोई जाने या तो ना जाने मंगल में घड़ी आई है कोई जाने या तो ना जाने। बैठ जाओ कौन खड़ा है जो खड़ा है वो खड़ा है कौन खड़ा है बैठो जी। घुटना में दर्द होगा अगर नहीं बैठोगे। बैठ जा महिला मान जा माता। पीछे वाले खड़े रहो जो बाहर खड़े हैं पंडाल के खड़े रहना बैठना मत। वो पर्दा का काम करेंगे। जोर से ताली बजा दो। साइलेंट। बहुत आनंद आ गया। शांत करने में बड़ी मेहनत लगती है। ज्यादा लोग आ गए ना होना भी चाहिए कुंभ मेला जैसा। सज्जनों और देवियों सोने की लंका में रहकर भी मंदोदरी के मन का दुख नहीं मिट रहा है। मंदोदरी की कहानी से समस्त नारियों को संदेश लेना चाहिए कि सोना चांदी से दुख मिटने वाला नहीं है। जिस रावण के घर में बेड भी सोने के हैं चेयर भी सोने की टेबल भी सोने की दीवार सोने की छत सोने की खंभे सोने के तुम एक नथुनी की बात कर रही हो गले के हार की बात कर रही हो। जिसके घर भी सोने के हों तो सोचिए उसके घर में एक नथनी की क्या कीमत है। सब कुछ सोने का है फिर भी मंदोदरी सुख से सो नहीं पाती है। जो सुख से सोना चाहते हैं उनके लिए निवेदन करूंगा भक्ति कीजिए और अपने पति से प्रेम कीजिए और पति का धर्म है कि अपनी पत्नी के साथ में छल ना करे। जिसके साथ में तुमने विवाह किया है यदि वो तुम्हारी पत्नी कहती है पति देव दारू पीना छोड़ दो तो हंसते हंसते कह देना तुम यदि कहो तो सब कुछ छोड़ सकता हूं लेकिन तुमको नहीं छोड़ूंगा तो तुम्हारे घर में फिर स्वर्ग आ जाएगा। इतने कमजोर पति मत बनो। शादी तुमने पत्नी से किया है ना कि दारू के साथ किया है। कितने पति कहते हैं दारू नहीं छूटेगी तुम भले छूट जाओ। पत्नी को दुख होता है कि विवाह के मंडप में सात फेरे मेरे साथ घूमा था और न जाने कब ये 14 फेरे दारू के साथ घूम लिया है। शराब पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता। इस शायरी को याद कर लेना। शराब पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता
जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता। दुनिया का अटल सत्य नियम है यह, बिना गुरु की कृपा के कोई महान बन नहीं सकता, महान बन नहीं सकता। तुम दारू नहीं पीते हो, ये बात झूठी है। सच बात यह है कि दारू तुमको पी जाती है। दारू सबसे पहले तुम्हारा धन पीती है, दारू जमीन को पी जाती है, दारू तुम्हारे सम्मान को पी जाती है, और दारू तुम्हारे शरीर के स्वास्थ्य को भी पी जाती है। आखिरी में दारू तुम्हारी जिंदगी को पीकर खत्म कर देती है। दारू कभी नहीं मरती है, लेकिन दारू पीने वाले मर जाते हैं। और दारू का नशा भी क्या कोई नशा है? शाम पियो सुबह उतर जाए। हमारे भारत देश में शराब भी सभ्यता से पी जाती थी। आज के 30 वर्ष पहले लोग शाम को पीते थे सोने के पहले, लेकिन आज की तारीख में इतनी मूढ़ता पैदा हो गई है, लोग सुबह भी पीते हैं, शाम भी पीते हैं, दोपहर में भी पीते हैं, जब देखो तब पीते हैं, पीते हैं और मर मर कर जीते हैं, और जीते हैं फिर मर जाते हैं। कैसे पीते हैं? अगर याद रखना, ये दारू जितने लोग नहीं डूबे हैं आज तक गंगा जी के लहरों में, जितने लोग नहीं डूबे हैं गंगा के लहरों के पानी में, और जितने लोग नहीं डूबे हैं समुन्द्र के पानी में, और जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। इस शराब ने कितनों को डुबा दिया है, इस शराब ने कितने घरों को बर्बाद कर दिया है। और छोटी सी शराब की आदत आप बचपन में नहीं पीते थे, शराब नहीं पीते थे, बीड़ी नहीं पीते थे, सिगरेट ना गांजा पीते थे, ना तंबाकू खाते थे, ना भांग खाते थे, ना ताश खेलते थे। बचपन में अपना चेहरा देखो कितना सुंदर दिखता था। और जब से ये नशा व्यसन करना आपने शुरू कर दिया, चेहरा की सुंदरता भी चली गई, टेंशन बढ़ गई, शरीर का स्वास्थ्य खराब गया, और शरीर बलहीन धीरे धीरे हो गया। बड़ी विचित्र बात है भाइयों बहनों, ये शराब का नशा छोड़िए, सत्संग का नशा कीजिए, और सत्संग का नशा एक बार चढ़ जाए तो जिंदगी भर नशा उतरता ही नहीं। इस सभा के अंदर जो ये 20,000 लोग बैठे हैं, खड़े हैं, जिनके ऊपर ठीक से सत्संग का नशा चढ़ा है, 50-50 किलोमीटर से दौड़ कर आ गए, अपने घरों में ताला लगा कर आए हैं, पूरा परिवार चला आया है, और सबसे बड़ा नशा तो अजय सिंह विजय सिंह के ऊपर चढ़ गया जब उन्होंने बड़ी जमीन में ममलखा में दर्शन किया, तो ठान लिया कि जो सत्संग का नशा ममलखा में बट रहा है, वही नशा काशिमपुर की धरा पर मैं वितरण कराऊंगा, गुरुदेव को बुलाकर समागम कराऊंगा। आज झारखंड बैजनाथ धाम से कुछ लोग आए थे, उन्होंने प्रोग्राम की मांग किया है। तारापुर प्रखंड के एक सज्जन ने प्रोग्राम की मांग किया है, अमरपुर प्रखंड की एक महिला ने प्रोग्राम की मांग किया है, जिच्छू के दीपक सिंह ने भी प्रोग्राम की मांग किया है। याद रखना, अपने गांव का उद्धार करने के लिए, क्षेत्र का सुधार करने के लिए, और घर घर में शांति पैदा करने के लिए आपको भी संकल्प लेना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र में गुरुदेव का प्रोग्राम हो, और 3 दिन ज्ञान की गंगा बहे, और जिसमें सबका मैल धुल जाए। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना,
अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। जिस माता बहन के ऊपर सत्संग और भक्ति का नशा चढ़ गया उसको गांव के लोग मीराबाई कहने लग जाते हैं, सिबरी कहने लग जाते हैं। जिस पुरुष के ऊपर सत्संग भक्ति का नशा चढ़ गया उसको लोग ध्रुव और प्रहलाद कहने लग जाते हैं। बहनों, ऐसा मार्ग चुनना, एक बेटी का बड़ा महत्व होता है। बेटा अगर संभल जाए तो केवल एक घर को धन्य करता है, और बेटी यदि संभल जाए तो दो घरों को धन्य कर देती है। इसलिए बेटियों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। बेटियों के हाथ में दो घरों की लाज होती है, एक तो मायके की लाज उनकी मुट्ठी में है, दूसरे ससुराल का सम्मान भी उनके हाथ में होता है। मैं बेटियों से कहूंगा, प्रवचन खूब सुनना। पश्चिम देशों की फैशन की आंधी में मत बहना। जो हीरो हीरोइन मर जाती है, मरने के बाद उनको कोई याद नहीं करता है, लेकिन मीराबाई और सिबरी को आज भी याद किया जाता है। तुम हीरो हीरोइन की नकल न करना, मीरा और सिबरी बन करके मरने के बाद भी लोगों के दिलों में अमर हो जाना। अपनी मां को भी खुशियां देना। मैं नेपाल काठमांडू गया था, 12-14 वर्ष पहले की कहानी है। तो वहां एक सज्जन हमको मिले, ध्रुव केसी, बोले पशुपतिनाथ का दर्शन आपको कराऊं। मेरे अंदर तो इच्छा नहीं थी, लेकिन वे असंतुष्ट ना हो इस डर से मैं गया। वहां पहुंचा तो पशुपतिनाथ के मंदिर के सामने 200 भिखारी बैठे हुए थे और सब भीख मांग रहे थे। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता उनकी पार्वती, पिता महादेवा। अंधन को आंख दे तो कोढ़िन को काया, ऐसा भजन घर रहे थे। वहां बहुत कोढ़ी भी बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा कितने दिन से तुम कोढ़ी बनकर बैठे हो। बोले 20 साल हो गए। हमने कभी काया मिली नहीं, सुंदर काया। बोले मिला तो कुछ नहीं है। तो मेरे साथ जो भक्त गया था मुझे लेकर के, ध्रुव केसी, उसने एक नए नोटों की गड्डी निकाला और जितने भिखारी बैठे थे सबको एक एक नोट दिया। तो हमने कहा, ध्रुव केसी मेरे साथ आए हो इसलिए दान कर रहे हो कि और भी कभी करते हो? कभी कभी किसी विशेष व्यक्ति के साथ में प्रभावित होकर के तुम दान करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हो, लेकिन याद रखना, दान कैसे भी किया जाए पर उसका पुण्य तो मिलता ही है। पानी चाहे लोटा से पियो, गिलास से पियो, बोतल से पियो, कटोरी से पियो, चुल्लू से पियो, लेकिन प्यास तो बुझती ही है। दान कैसे भी करो, उसका पुण्य तो मिलता ही है। तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास ये नई नोटों की गड्डियां कहां से आती है? उन्होंने कहा, ना कोई बेटा है मेरे। तो हमने कहा, फिर? बोले 3 बेटियां हैं और तीनों अमेरिका में हैं, और तीनों हमको 6 लाख रुपए महीने देती है, और वे कहती हैं पिताजी खुले हाथ दान करना, जहां इच्छा हो किसी को दीजिए और सुख से रहिए। कभी एहसास मत करना मेरे बेटा नहीं है, मैं तीनों बेटियां बेटा से ज्यादा तुम्हारी सेवा करेंगी।
तो मैं गुरुदेव हर महीने में 2-4 लाख तो बांट ही देता हूँ, दान करने में मजा आता हमको, खूब करता हूँ। धन्य है वे बेटियां जिन्होंने अपने को ऊंची शिक्षा प्राप्त करके इतना योग्य बनाया कि आज अमेरिका में सर्विस कर रही हैं। मैंने कहा उनका वेतन क्या है? बोले एक बेटी का वेतन साल भर में 2 करोड़ का पैकेज है। तो हमने कहा गजब मामला है। बोले गजब ही है गुरुदेव, दान करने से सुंदर पुत्र का जन्म होता है, दान करने से संस्कारी पुत्री का जन्म होता है, दान करने से अच्छे पोता पोती आपके आंगन में आकर के जन्म लेकर खेलते हैं, और दान करने से बड़े बड़े संत मिलते हैं, दाना फेंकने से चिड़ियों के झुंड आते हैं चुगने के लिए, और उसी झुंड में कभी कभी याद रखना हंस पंछी भी आकर दर्शन देता है। ऐसे दान करने से संत आते हैं, उन्हीं संतों के बीच में कभी कभी परम हंस संत आकर के दर्शन देता है, इसलिए दान करना चाहिए। धन्य है बिहार की धरती, यहां पर कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं, विभिन्न गांवों में समागम होते हैं। मुझे तो अभी केवल 7-8 साल से मौका मिला, 7 साल से यहां आने का। मेरे मन में सोच होता है कि 32 साल पहले से आता तो अब तक बिहार के हर जिले में, हर तहसील में, प्रखंड में पहुंच गया हूं, बहुत देर में आया हूं, लेकिन देर में आया हूं पर मजबूत होकर आया हूं और आपके प्रेम में आया हूं। बड़ी खुशी होती है आप सबको देख करके, मन गदगद हो जाता है। चरित्रवान बन करके जब बेटी और बेटा जवानी में प्रवेश करते हैं, उनके चरित्र में दाग नहीं लगता है, जब बेदाग जिंदगी रहती है, इससे बड़ा माता पिता का और सम्मान क्या हो सकता है। चरित्रवान पत्नी जिस पति को मिल गई, उस पति का इससे बड़ा आदर और क्या है, और जिस पत्नी को चरित्रवान पति मिल गया, उस स्त्री का इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। आज की तारीख में पैसे वालों का मिलना सरल है, गाड़ी वालों का मिलना सरल है, अच्छे कपड़े पहनने वालों का मिलना सरल है, पिस्तौल बंदूक लेकर चलने वालों का मिलना सरल है, लेकिन चरित्रवान का मिलना बहुत कठिन है। चरित्रवान मिल जाए तो समझ लो भगवान ही मिल गया। और चरित्रवान के चित्र का भी महत्व हो जाता है, और जिनके चरित्र उत्तम हो उनके चित्र का दर्शन करने से उनके चरित्र की याद आती है। चरित्रवान बनो, अपने घर में महान पुरुषों के चित्र लगाओ। चित्र का बड़ा महत्व होता है। जैसे जैसे तुम चित्र देखते हो, चित्र के बारे में विचित्र विचित्र सोचते हो, और जो सोचते हो उसके सपने भी आते हैं, और धीरे धीरे वैसा तुम्हारा चरित्र भी बनता है। इसलिए घर में महान पुरुषों के चित्र लगाना, हीरो हीरोइन के चित्र मत लगाओ, ये सांप और गधे के चित्र मत लगाओ। चित्र लगाना है संत महान पुरुषों के चित्र लगाओ, और यदि महान सदगुरु का चित्र तुम्हारे घर में लगा हुआ है तो उस घर में भूत प्रेत का प्रभाव भी खत्म होता है, और महान सदगुरु के चित्र के दर्शन से घर के लोगों के मन में भी शांति आती है। उत्तर प्रदेश में एक गांव में मैं प्रवचन करने गया तो एक सज्जन ने मुझे अपने घर बुलाया कि आप मेरे यहां पदरोनी कर दीजिए। पदरोनी का अर्थ होता है जिसके घर आधा घंटे के लिए जाता हूं उसे पदरोनी कहा जाता है, और पदरोनी में चरण पखारना, चरण अमृत छिड़कना, एक बूंद चरण अमृत पान करना, आरती वंदन करना, तिलक लगाना,
गुरु जी के चरण छूना, माला पहनाना और 2 मिनट उनकी अमृत वचन आशीर्वाद को सुनना, इसको पधरौड़ी कहते हैं। इस गांव में भी कल मुझे श्री बाबूलाल जी के घर पधरौनी जाना है और एक सज्जन कौशल किशोर के घर पधरौनी जाना है, 2 घरों में पधरौनी जाना है। श्रद्धा अपार है, इच्छा है ले जाऊं। तो उनके घर में गया तो उनके घर की जो माता जी थी उसको गुस्सा बहुत आती थी और साफ सुथरा बहुत रहती थी। उसके घर के अंदर घर के लोग भी जूते चप्पल नहीं ले